दोस्तों, एक बड़ी हैरान करने वाली न्यूज़ सामने आ रही है जी। यूनियन स्टेशन भाई, टोरंटो से। अब देखो जी, चार बच्चों ने भाई यूनियन स्टेशन से गो ट्रेन ली। ठीक है जी, चलो ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। अब उनमें से भाई तीन जो बच्चे थे वो चलती गाड़ी में ऊपर चढ़ गए भाई, छत पे। गाड़ी मतलब ट्रेन की छत पे, जस्ट इमेजिन, ट्रेन की छत पे चढ़ गए और चलती गाड़ी में। अब भाई उसमें से एक 15 साल का बच्चा, 15 साल का लड़का, अब वो जब भाई छत पे चढ़ गए तो चलती गाड़ी में, तो कोई ऑब्जेक्ट उसके हिट कर गया और वो गिर गया। कोई ऑब्जेक्ट उसके हिट कर गया और वो गिर गया। पता नहीं भाई क्या आया उनके दिमाग में, क्या नहीं आया, या छत पे क्यों चढ़ना है, चलती गाड़ी में छत पे क्यों चढ़ना है, क्यों छत पे चढ़ के हमने भाई सफर का क्यों करना है, पता नहीं। आई डोंट नो क्या आया दिमाग में भाई, आई डोंट नो। और ऊपर से भाई संडे अर्ली मॉर्निंग की ये बात है ना, मतलब रात को बोलूंगा मैं कि 12 बजे के आसपास से ये बोला जा रहा है भाई। तो भाई ओहो हो, और इतनी इंजरीज भाई, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज भाई, बहुत क्रिटिकल इंजरीज उसको हुई है। दिस इज सो सैड, दिस इज सो सैड। तो भाई मेरी हाथ जोड़ की बेनती है सबसे, प्लीज ऐसी चीजें मत करो, ऐसी ऐसा सोचो भी मत यार। कोई आप किसी को देख रहे हो ना ऐसा करते हुए, प्लीज आप एक बार बोल दो। आई नो भाई लोग माइंड कर जाते हैं, बट यार किसी की लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है यार। वो बच्चे थे, पता नहीं क्या आया दिमाग में कि नहीं यार छत पे चढ़ के हम ये करते हैं वो करते हैं यार। और ऑब्वियसली यार रात का टाइम है ना, वो छत पे चढ़ के भाई, ट्रेन की छत पे चढ़ के सफर कर रहे, और कोई ऑब्जेक्ट उसको, उस लड़के को हिट किया, ठीक है, और वहीं पे भाई वो गिर गया। चलो जी, फिर दो दूसरे बच्चे थे जी, उन्होंने 911 को कॉल किया, पुलिस आई जी, ठीक है जी, सब कुछ हुआ, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया जी, बहुत क्रिटिकल इंजरीज बोला जा रहा है भाई। मतलब यार आई डोंट नो, आपको भी भाई हैरानी हुई होगी कि यार क्या उन बच्चों के दिमाग में आया होगा। तो प्लीज गाइस, प्लीज इन चीजों से सीखो, मत करो ऐसी चीजें यार, ठीक है। छत पे चढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है जी। करना है तो आपने आओ, बहुत सारी चीजें, एडवेंचरस चीजें जो आप कर सकते हो, बट जो जिससे जो आप आपके लिए सेफ हो, सेफ्टी कम्स फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये चीज है जी। आई होप भाई वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ भाई, ठीक है। बट हमें एक लेसन भी सीखना चाहिए इस इंसिडेंट से, राइट। और दूसरी भाई बात ये है, बजट में भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये बोला था कि जी 2.4 बिलियन डॉलर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी है उस पर इन्वेस्ट होगा, 2.4 बिलियन डॉलर्स। अब भाई जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, अब इसका देखो भाई, ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ जाएगी कनाडा में, इन्वेस्टमेंट हो गई 2.4 बिलियन डॉलर्स, कम नहीं होता भाई। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छा खासा सपोर्ट किया जाएगा, उस चीज को और एडवांस किया जाएगा कनाडा में। अब बहुत सारे लोगों का ये भी व्यू पॉइंट है ना कि भाई जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, बहुत सारे वर्कर्स जाएंगे, बहुत सारे वर्कर्स फायर कर दिए जाएंगे। क्या देखो, कहीं ना कहीं भाई ये एक थ्रेटनिंग चीज तो लगती है, थ्रेटनिंग तो है, क्योंकि हो सकता है भाई बहुत सारे लोगों की इस चक्कर में जॉब चली जाए, जैसा कि हम सुन रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो जी साथ के साथ भाई कनाडा गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वो है, वो एक अलग चीज है, बट जो हमारे स्किल ट्रेड हैं, ठीक है जी, जो हमारे स्किल ट्रेड्स के वर्कर्स हैं, उनको भी भाई आगे ट्रेनिंग के लिए, उनको भी आगे और एडवांस करने के लिए, ठीक है जी, उनको भी अच्छा खासा उन पे भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ताकि वो जो अपना स्किल सेट है, अपनी जो उनकी स्किल्स हैं, वो और ज्यादा एडवांस कर सके, ताकि हमारी ओवरऑल जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट हो सके, उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो ओवरऑल भाई ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जी,
बट ये देखना इंटरेस्टिंग होगा आने वाले टाइम में कि भाई जब हमने AI पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, $2.4 billion भाई बजट में ये कहा गया है, और कितना हम उस चीज के साथ भाई जो दूसरी हमारी लाइक एक रेगुलर जॉब्स हैं उस पे ना इफेक्ट पड़े उनकी जॉब, ऐसा ना हो कि भाई लोगों को फायर कर दिया जाए, उस पे ना इम्पैक्ट पड़े, ये गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होगा। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसी चीज होती है नया, मतलब आगे कैसी चलती है ये। बाकी भाई ये मैंने न्यूज देनी थी आपको, कैनेडा से ये न्यूज निकल के आ रही है जी। बाकी भाई अस्सी नेक्स्ट टाइम टॉपिक एंड डिस्कशन, ऐसी सपोर्ट आप करते रहिए जी, और अपडेट्स और मैं न्यूज आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ठीक है। और गाइस लव यू, टेक केयर, एंजॉय, काम का भी भाई टाइम हो गया, 29 हो गया यार, एक मिनट बचा है, चलो भाई मिलते हैं दोबारा, ठीक है, दोपहर को मिलेंगे ब्रेक टाइम, बाय गाइस, एंजॉय, टेक केयर, बाय।